हेलो, वेलकम इन प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए अपने इंडिया की एक ट्रेडिशनल आर्ट, भारत की एक ट्रेडिशनल आर्ट है बन्नी ठन्नी, जो कि राजस्थान में किशनगढ़ से बिलोंग करती है, वो पेंटिंग लेके आई हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग और बहुत जगह आपने देखा भी होगा, पर इसका नाम शायद ध्यान नहीं, बहुत से लोगों ने पूछा। तो यह जो हमारे है राजस्थान में एक जगह किशनगढ़, वहाँ के एक राजा के दरबार में एक चित्रकार थे निहाल चंद जी, उनके द्वारा एक बनाई गई लेडी की तस्वीरें हैं, जिसका नाम बाद में बन्नी ठन्नी रखा गया। ये ट्रांसपेरेंसी हम दुपट्टे और की कैसे लाएंगे एक्रेलिक कलर से, ये सब मैं आपको आज सिखाऊंगी। इस कला की क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है, और एक्रेलिक कलर में भी हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट उस दुपट्टे की जो मेन उस पेंटिंग की खासियत है आपको सॉल्व करूंगी। तो पहले इस पेंटिंग्स के बारे में बता दूं, फिर मटेरियल्स तो आपको पता ही है, आपको एक्रेलिक कलर फैब्रिक्रील के चाहिए और कैनवास बोर्ड नहीं हो तो आप, अभी लॉकडाउन का टाइम है, बहुत ही प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए उनके लिए खास मैं पेपर पे बना के दिखाऊँ। पेपर पे भी एक्रेलिक पेंटिंग आप कर सकते हैं, अच्छा थिक पेपर पे भी, अगर आपके पास मटेरियल नहीं हो उतनी ब्यूटी से कर सकते हैं, लेकिन कैनवास बोर्ड अगर आपके पास तो बहुत अच्छी चीज है। ये खूबसूरत पेंटिंग आप बनाइए और इसे अपने घर में सजाइए या कुछ भी गिफ्ट दीजिए। ये आप कैनवास बोर्ड पे ही नहीं, पॉट्स पे, वॉल्स पे, अपने मतलब हर चीज पे आप बना सकेंगे। आपको सबसे पहले आप पेंसिल ले लीजिए, मैं फेस और कैसे ड्रॉ करना है काफी इजी वे में समझाऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फर्स्ट पुट हॉरिजेंटल वर्टिकल एनी वे योर पेपर एंड टेक मिडिल पार्ट ऑफ योर पेपर, पेपर और कैनवास बोर्ड है, मिडिल ले लीजिए आप उसका, जैसे ये सेंटर है हमारा, मिडिल से ऊपर जाइए सीधा, ये मिडिल है हमारा कोई भी बोर्ड का, मिडिल से आप ऊपर जाइए और ऊपर के साइड आप हो सके तो 3 फिंगर छोड़ दीजिए। ये फिंगर छोड़ के आप एक पॉइंट ले लीजिए, ओके, फर्स्ट टू टेक ए पॉइंट इन मिडिल अपर साइड ऑफ डाउन 2-3 फिंगर। अब इससे एक स्लांटिंग लाइन दुपट्टे की, मैंने बताया जैसे घूंघट रहता है राजस्थान की एक परंपरा है, तो ये आंचल है पर इसमें फेस दिख रहा है, सर पर आंचल पल्लू लिया हुआ, वो हम सबसे पहले हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कलर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सब आप फैब्रिक्रील के एक्रेलिक कलर निकाल ले। सबसे पहले हम फेस की शेडिंग सिखाएंगे आपको, मैं फेस की शेडिंग सिखाऊंगी, उसके बाद सब गहने ज्वेलरी और दुपट्टा कैसे ट्रांसपेरेंट और आप करेंगे हेयर होने के बाद वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप व्हाइट कलर निकाल ले, थोड़ा कलर मैं यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ, अभी से साइड कर देती हूँ, आपके सामने बना के दिखा रही हूँ, एक राउंड या फ्लैट कोई। तो हमें 2 खन में व्हाइट चाहिए, एक तो अलग से शेडिंग करने लाइट डार्क आप व्हाइट निकाल लें और दूसरे में स्किन कलर बनाने, तो 2 ब्रश आप राउंड नंबर या मैंने 4 नंबर ब्रश लिया है, तो 2 ब्रश मैंने यहाँ पे व्हाइट निकाला है। इसमें आपको 2 ब्रश व्हाइट और 1/4 ब्रश ऑरेंज लेना है, लिटिल बिट, एक तो सेपरेट और एकदम लिटिल बिट ब्रंट सीमा ब्राउन कलर, हमारा स्किन सेट इस तरीके से बनके रेडी हो गया। पर इसमें करना फ्लैट ब्रश, आप 2 नंबर का फ्लैट ब्रश ले ले साथ में, राउंड से डालिए और फ्लैट से स्प्रेड करते जाना है आपको, थोड़े थोड़े पार्ट कम करेंगे। मैं फोरहेड से स्टार्ट करती हूँ, इधर का हिस्सा लाइट और एक साइड डार्क और एक साइड लाइट, ये प्रभाव मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पहले आउटलाइन कर ले कॉर्नर्स में इस तरीके से स्किन कलर से, और फास्ट इतने ही थोड़े ही हिस्से में करना और आपको स्प्रेड करना ड्राई होने के पहले, अगर ये ड्राई हो जाता है तो फिर आपकी शेडिंग नहीं हो पाएगी। अब आपको क्विकली फ्लैट 1 नंबर ब्रश लेना है, यू कैन टेक 1 नंबर ब्रश एंड लिटिल बिट वाटर एंड व्हाइट कलर, अब व्हाइट कलर लिया मैंने और इसके आगे मैंने व्हाइट कलर डाला और इसको स्किन से मैंने मिक्स किया, देखिए कॉर्नर में डाला स्किन और फ्लैट ब्रश लिया, व्हाइट लिया
और इसके साथ इसे मैं एक ही वे में इस तरह स्प्रेड करती जाऊंगी, तो ये लाइट स्किन होते जाएगा। और आगे आते आते मुझे और लाइटनेस चाहिए, तो मैं वापस वाइट लूंगी थोड़ा और ये आगे चलाऊंगी। तो आप इस तरह शेडिंग सीख सकते हैं। ये हमारा फेस का शेडिंग हो गया है। ओके, अभी मैं आईज आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ब्रंट सीमा कलर ले लिया है, ब्राउन कलर। आईज मेन दिखा रही हूँ मैं, आईज इसकी नसीली जो प्रभाव आता वो कैसे आएगा मेन बन्नी ठन्नी का। तो आप पहले ब्राउन कलर इसमें करें, ये ब्राउनिस रहता है, उसके बाद डार्क ब्राउन का सेट्स आएगा इसके ऊपर। तो ये हिस्सा और ऊपर की तरफ इसकी आईज बॉल रहती है इसी तरह। ये ब्रंट सीमा कलर भरा। अब उसके बाद आपको डार्क ब्राउन कलर जो मैंने बनाया है वो ले लेना है और उसे इस बीच की गोली के हिस्से को भर देना है ये, और फिर इस आइस बॉल के हिस्से डार्क ब्राउन कलर से आपको आउटलाइन करनी है। मोती बीट्स सब बना देते हैं। तो उसके लिए आप ब्रश का पीछे का यूज कर सकते हैं, ईयरबड्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी टूथपिक कोई भी, या ब्रश का पीछे से लें और ये मैंने व्हाइट कलर डायरेक्ट ईयरबड से लिया और यहां डाल दिया ऐसे। बड़े मोती के लिए ईयरबड, छोटे के लिए आप टूथपिक ले। एक नीचे दे देती हूँ, बस ये इतना हमें देना है। तो हमारी ये पेंटिंग रेडी हो गई है। बस आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय विद दिस बन्नी ठन्नी आर्ट।